एक कमरे में 100 लड़कियां हैं और उस कमरे के दरवाजे पर अगर आकर कोई बोलता है ए लड़की इधर आओ, अब उन 100 लड़कियों में से कौन सी लड़की आएगी? क्योंकि ए लड़की से तो कोई भी लड़की नहीं समझेगी किसको बुलाया जा रहा है। इसी तरह से जब आप कुछ भी हैवी इमोशंस फील करते हैं तो आपको बस ये कहना कि मैं इमोशनली डाउन हूँ, इससे समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर कौन सा नेगेटिव इमोशन आप फील कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपके अंदर वो जो लो फीलिंग है उसका क्या नाम है। तो आप उसे रिकग्नाइज कीजिए कि मैं लो फील क्यों कर रही हूँ, क्या नाम है इस इमोशन का, मैं क्या हर्ट हूँ, सैड हूँ, बैड फील कर रही हूँ, और फिर लिखिए एक पेपर पर कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ और मैं खुश होने के लिए क्या कर सकती हूँ। इस तरह से आप अपने इमोशंस को ट्रूली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उन्हें रिलीज कर अपने माइंड को शिफ्ट कर पाएंगे। इस टेक्निक से आप हर तरह की ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी से एकदम आज़ाद हो जाएंगे।